चाहूंगा कि यहाँ पर जो करनी रथ में जो अपंग लूले लंगड़े बोल नहीं सकते बहरे आए हैं, उनकी इच्छा जरूर पूरी हो, वो चलने लगे। ऐसा हुआ भी है और ऐसा जरूर जो अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आए हैं उनके साथ भी हो, वो भी सुने बोले और चले। उनके मन की भी इच्छा रहती है, जो अंधे है वो भी देखे इस संसार को, वो अपनी यही इच्छा लेकर करनी रथ के पास आए हैं और परिक्रमा लगा रहे हैं, तो उनकी इच्छा जरूर पूरी हो। माँ करनी से अरदास है कि उनकी इच्छा है वो जरूर पूरी करे और जय हो माँ करनी की। लीला अपरंपार है, आज देख रहा है मंदिर में सातों देवियों ने एक साथ दर्शन दिए, झील के रूप में सातों देवियों ने एक साथ दर्शन दिए, तो ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही बड़ा भाग्य है जिनको दर्शन मिले हो। तो मेरी तो यही मनोकामना रहेगी कि जो भी आए हैं, जिनके भी मन की इच्छा है वो जरूर जरूर पूरी हो, माँ उनकी जरूर सुने, करनी माँ जरूर एक बार उनकी सुने और वो सही हो, मेरी यही आदास है। और फिर से एक बार कहना चाहूँगा जय हो करनी माँ की। एक बार फिर मैं आपके सामने चाहता हूँ कि गुलाब सिंह का अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँ, जिसमें कि उनकी जो करनी रथ है उसके बारे में मैं आपको पूरा बताऊँ, उसकी जानकारी दूँ, वो अंदर से कैसी बनी हुई है, कैसे गुलाब सिंह जी उसमें गुजारा करते हैं, कैसे उन्होंने जयपुर से बीकानेर से हेमड़े राय तनोराय तक यात्रा तय की है दंडवा, उसके बारे में मैं आपको चाहता हूँ कि बताना चाहूँगा। वो आपको मेरे पहले वाले दो वीडियो में पता चल चुका होगा और बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिनके बारे में, और इस वीडियो में भी आप नाप से नाप हमारे जैसलमेर देवी को भीड़ है, लोगों की भीड़ है, बाड़मेर जैसलमेर के जो लोग हैं जो भगवान के प्रति भावना रखते हैं, इस तरह से उमड़ पड़े हैं। गुलाब सिंह जी का कहना यह भी है कि बहुत से पहले हम सिर्फ तीन चार जने थे और ऐसे वीडियो भी देखे जा चुके हैं जिसमें सात से आठ जने हैं जो जनवर्ती यात्रा करके भी आ रहे हैं, और जैसे ही उनसे
आए रामदेवरा तो वो भीड़, वो 7-8 जने एक भीड़ में बदल गए, विशाल भीड़ हो गई और अब तक भीड़ लगातार बढ़ती ही जा रही है। जैसे आप इन वीडियोस में देख रहे हो, लगातार उनके वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, उन्हीं वीडियोस में भी देख रहे हो कि लगातार जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं तेमड़ा राय तनो ट्राइब की तरफ, तो लोगों की भीड़ है जो वो बहुत ही बढ़ रही है। वो लोग जयपुर से बीकानेर से भी अब आ रहे हैं। उनका भी यह कहना है कि गुलाब सिंह जी जब यहाँ से रवाना हुए थे तो सिर्फ हमने 3 जने यहाँ से रवाना किए थे और अब हमें खुद को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि इतने लोग आ रहे हैं गुलाब सिंह जी को देखने। और लोगों का यह विश्वास है कि गुलाब सिंह जी एक अवतार है जो कि लंगड़े लूले बहरों को भी ठीक कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। और गुलाब सिंह जी को करणी माता खुद आरती के टाइम दूर समय दर्शन भी देती है। तो मेरी इच्छा है कि मैं एक करणी रथ के ऊपर वीडियो लेकर आऊं, जो कि एक बस है उसमें करणी रथ, उसके ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है करणी रथ और उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी जानकारियां लिखी हुई गुलाब सिंह जी के बारे में। और मैं अभी उसी के ऊपर खड़ा हूं, उसके ऊपर ऐसी बहुत सी सिस्टम है, वो कैसे बस चलती है उसका परिचय मैं लाना चाहता हूं आपके सामने। बस का एक वीडियो लाना चाहता हूं 5 से 10 मिनट का, तो आप सबका सपोर्ट रहेगा इस वीडियो में। मैं तो अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगा, अगला वीडियो जो रहेगा वो मेरा गुलाब सिंह जी की बस के बारे में ही रहेगा, करणी रथ के बारे में रहेगा। तो आप सब सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों की भीड़, और अभी आगे ही एक छोटी सी आरती है गुलाब सिंह जी की, वो ज़रूर सुनिएगा, उसमें बहुत ही सुंदर वो आरती कर रहे हैं और उसी में ही करणी माता साक्षात दर्शन देती है। 7 बहनें एक साथ दर्शन देती है, 7 देवियाँ हैं, 7 देवियाँ एक साथ दर्शन देती है गुलाब सिंह जी को, और बहुत सारी जो यहाँ पर भीड़ है उन्हीं को भी दर्शन होते हैं। और साक्षात दर्शन इस वीडियो में भी रिकॉर्ड की गई है, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनमें रिकॉर्ड किए गए ऐसे दर्शन हैं। और वो जो समली कहा जाता है हमारी जैसलमेर राजस्थान की भाषा में, तो वो सफ़ेद समली है, उन्होंने 7 समलियों ने दर्शन दिए है। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधी के सरने करणी अम्ब के मंगले शिवे सर्वार्थ साधी के सरने करनी अम्ब के इंदंदा तावड़ माते नमो नमः मात करी मुल्तान में जब समली रूप सवारा है, माँ समली रूप सवारा है, माँ समली रूप सवारा है, जय हो करनी मात मेरे तेरा ही सहारा है, जय हो करनी मात। यही आएंगे आप व्यवस्था बनाए रखे, करनी एक ऐसे देवता है जो अनुशासन बीच में जरा भी रोला टंकारा घंटारा तारे पर मैं तो पूरी आरती देखने के बाद ही घर जाने वाला हूँ। ध्यान लगा, मोक्ष चाहिए तो ध्यान लगा, और आनंद चाहिए तो ताली बजा। चलो कोई बात, अब दो लाइन बोलते हैं। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है, जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है, माँ तेरा ही सहारा है, माँ तेरा ही
पिताजी का नाम मेहा जी था। मेहा जी के पुत्रियां ही पुत्रियां थी। 7 बार हिंगलाज गए। अभी हिंगलाज हमारा हिंदू धर्म का सबसे बड़ा शक्तिपीठ है जो पाकिस्तान में रह गया। जाकर के कहा, गए, भगवती प्रसन्न हुई। प्रसन्न होने पर भगवती ने कहा, मांग क्या मांगता है? अब मेहा जी ये कहते कि मुझे लड़का दे दो, छोरा दे दो, अच्छा नहीं लगता। उन्होंने कहा, माँ मेरा नाम चले, मेरा नाम चले। अब नाम तो आपके परदादा जी के परदादा जी का क्या नाम था कोई नहीं बताएगा, ये भी ले लेना, अगर ऊपर आ जाए तो लेना, इसकी फोटो लेना। हाँ समझी की अभी बता दे। हिंगलाज ने कहा, ठीक तथास्तु। तो जब तक सूरज चांद रहेगा करणी जी का नाम रहेगा, और करणी जी का नाम रहेगा तो उनके पिताजी मेहा जी का नाम रहेगा, इसीलिए उन्होंने जन्म लिया मेहा जी के घर। गाय प्रिय थी, मेहा जी के घरे आंगन में अद्भुत ये अवतारा है। मेहा जी के घर आंगन में अद्भुत ये अवतारा है। खलवत हंदो देश मैया गोधन तुमको प्यारा है। खलवत हंदो देश मैया गोधन तुमको प्यारा है। माँ गोधन तुमको प्यारा है। माँ गोधन तुमको प्यारा है। हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। इस श्लोक में 36 किलोमीटर में औयन है माता जी का। वहां जाल के पेड़ होते थे। करणी जी ने उनको एक रात में होल्डी का पेड़ बना दिया। होल्डी का पेड़ क्यों बनाया? आपने बद्री धाम बद्री नारायण सुना होगा। होल्डी का नाम बद्री है, रायवासी बद्री शब्द है। वहां नर और नारायण ने सतयुग में बोल्डी के नीचे बैठकर तपस्या की थी। बोल्डी के नीचे बैठ के तपस्या की, वो तपो पेड़ है। बोल्डी के नीचे बैठकर माला फेरने से सब कुछ मिल जाता है, इसीलिए नर और नारायण ने बोल्डी के नीचे बैठ के तपस्या करी, इसीलिए वहां बद्री धाम बद्री नारायण नाम पड़ गया। और करणी जी ने अपने मुखारविंद से कहा है कि जो बद्रीनाथ नहीं जा सके भाई, मेरे बोल्डी की परिक्रमा दे लेना, बद्री धाम का उतना ही फल मिल जाएगा। ओयन माही बाग बोरड़ा लगता प्यारा प्यारा है। ओयन माही बाग बोरड़ा लगता प्यारा प्यारा है। गोधन आनन भर भर चरता दैजा का फटकारा है। गोधन आनन भर भर चरता दैजा का फटकारा है। माँ दैजा का फटकारा है। माँ दैजा का फटकारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। माँ तेरा ही सहारा है। जय हो करणी मात मेरे तेरा ही सहारा है। जय हो करणी मात। अभी आपने देखा संभली पधारी, संभली का रूप माता जी का होता है, क्योंकि पोंगल के राव शेखा जी मुल्तान में कैद हो गए। करणी जी उनको लेकर के आई, जब पंजों में पकड़ के लेके पोंगल उतारा, इसीलिए संभली के दर्शन मुख्य है। अरे रथ पर संभली
मन को मोए मात का जयकारा है रथ पर संभली मन को मोए मात का जयकारा है आला चुस्की भर भर कावा नाचे न्यारा न्यारा है आला चुस्की भर भर कावा नाचे न्यारा है माँ नाचे न्यारा न्यारा है माँ नाचे न्यारा है हो कर मात मेरे तेरा ही सहारा है हो करनी मात मेरे तेरा ही सहारा है माँ तेरा ही सहारा है माँ तेरा ही सहारा है हो करनी मात मेरे तेरा ही सहारा है हो करनी मात मेरे तेरा करनी जी पधारते हैं आपकी आस्था आपकी भावना आपको दर्शन देने पधारते हैं मेरे अगर बुलाने से आते हैं तो मैं तो जयपुर ही बुलाता रहता हूँ।